1990 में राजकुमार संतोषी की सनी देओल, मीनाक्षी शेषाद्री, अमरीश पुरी की एक्शन पैक्ड सुपरहिट फिल्म आई थी घायल। घायल की सक्सेस ने सनी देओल को बड़ा स्टार बना दिया था। घायल का एक गाना आज तक पॉपुलर है, वो इसलिए कि जब भी लाइफ में कभी कोई डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन आती है, हम सोच नहीं पाते कि अब आगे क्या करना है, फिर मन खुद को ही समझाने लगता है, सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। बप्पी दा का ये गाना हमें डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस करने के लिए इंस्पायर करता है। आइए देखते हैं इस गाने के पीछे बप्पी दा की इंस्पिरेशन। 1989 में रिलीज लंबाड़ा सॉन्ग, जो फ्रेंच ब्राजीलियन ग्रुप काओमा का गाना है। में एक फिल्म आई थी सैलाब। अलग कहानी, माधुरी दीक्षित और अच्छा म्यूजिक होने के बावजूद भी ये फिल्म नहीं चली थी। अब इसे फिल्म के हीरो आदित्य पंचोली का बैड लक नहीं तो और क्या कहेंगे, और वो अपने करियर में बस एक साइड हीरो बनकर ही रह गए। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली थी, लेकिन इसके गाने सुपरहिट हुए थे, खास करके माधुरी दीक्षित का वो गाना हमको आजकल है इंतजार। इस फिल्म का और एक गाना हिट हुआ था, वो था पलकों के तले जो सपने पले,
इस गाने की इंस्पिरेशन बप्पी दा ने ग्लेन फ्रे के 1984 के गाने द हीट इज ऑन से ली थी। पलकों के तले जो सपने पले जानम वो सपने तो सच हो गए। पलकों के तले जो सपने पले जानम वो सपने तो सच हो गए। ये हुआ है जो वो होना ही था, हमारा तुमको तो होना ही था। ये हुआ है जो वो होना ही था, हमारा तुमको तो होना ही था। जाने जा का पूरा दशक बॉलीवुड में म्यूजिकल फिल्म्स की वापसी का दौर माना जाता है, जहां म्यूजिकल फिल्में एक्शन फिल्मों पर हावी हुई थी। और इस दौर की शुरुआत का सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है आशिकी फिल्मों के गानों को। 1990 का दौर सही मायनों में संगीतकार जोड़ी नदीम और श्रवण का भी दौर था। दरअसल टी सीरीज के गुलशन कुमार के पास काफी अच्छे गानों का एक कलेक्शन जमा था। उनमें से कुछ चुनिंदा गानों को लेकर फिल्म बनाने का प्रस्ताव उन्होंने
डायरेक्टर महेश भट्ट के सामने रखा और उसका नतीजा था सुपरहिट फिल्म आशिकी और उसके सभी गाने। आशिकी के एक सुपरहिट गाने धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना के पीछे की इंस्पिरेशन थी कम इनटू माय लाइफ, जो अमेरिकन सिंगर जॉयस सिम्स का 1987 का डेब्यू एल्बम था। जुड़वा भाई या बहनों के लॉस्ट एंड फाउंड फॉर्मूला पे बॉलीवुड में कई फिल्में बनी हैं और तकरीबन सभी हिट साबित हुई है। उसी ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला पे डायरेक्टर राकेश रोशन जी ने एक फिल्म बनाई थी किशन कन्हैया, जिसमें उनके भाई राजेश रोशन जी का म्यूजिक था। इस फिल्म में कन्हैया बने अनिल कपूर पे एक मस्ती भरा सॉन्ग पिक्चराइज किया था सूट बूट में आया कन्हैया, जो 1965 में एक गर्ल ग्रुप द डिक्सी कप्स ने गाया हुआ एक ट्राइबल सॉन्ग था आइको आइको। दरअसल ये गाना आइको आइको मार्दी ग्रास इंडियंस के दो ट्राइब्स के बीच की ट्रेडिशनल नोक झोंक दिखाने वाला मस्ती भरा गाना था। अब आप सोचेंगे कि ये आइको आइको क्या है, तो आइको आइको का मतलब होता है जीत की ललकार या जीत की घोषणा। दिल फिल्म के सभी गाने सुपरहिट थे। इस फिल्म ने माधुरी दीक्षित के स्टारडम को उस बुलंदियों पे पहुंचा दिया था जहां इंडस्ट्री के लोग माधुरी को लेडी अमिताभ कहने लगे थे।
माधुरी दीक्षित का फिल्म में होना यानी बॉक्स ऑफिस गारंटी मानी जाती थी। फिल्म में राजा बने आमिर खान और मधु बनी माधुरी के बीच छेड़छाड़ वाला एक गाना था, खंबे जैसी खड़ी है। ये गाना उस वक्त काफी पॉपुलर हुआ था। आनंद मिलिंद का ये गाना दरअसल 1956 के एल्विस प्रिस्ले के ब्लू सीड शूज सॉन्ग से इंस्पायर्ड था। Honey, lay off of my shoes and don't you double my blue gray shoes.